वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है IBPS एडमिट कार्ड के, उसके बारे में बात करने वाले हैं आज। और कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बताऊंगा जो यार आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर आप IBPS RRB के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं और एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, तो यार ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आज जो है ना IBPS RRB को लेटर आने के हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो 12 तारीख को एग्ज़ाम होना, यार मेरा जो ओपिनियन है, बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है 12 तारीख को एग्ज़ाम होने के। पर आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं कि 19 तारीख का एग्ज़ाम अगर होता है, 19 तारीख को अगर एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, तो आज कॉल लेटर आने चाहिए, क्योंकि 12 दिन बचेंगे आज से, 12 दिन ही बचेंगे 19 तारीख तक। और 12 तारीख की अगर बात करें तो सिर्फ 5 दिन, तो ऐसा आज तक IBPS के इतिहास में या किसी भी एग्ज़ाम के इतिहास में, बैंकिंग में, मैंने नहीं देखा कि यार 5 दिन पहले कॉल लेटर आए। 7 दिन पहले बहुत सारे देखे हैं, पर 5 दिन पहले किसी का भी कॉल लेटर आते हुए नहीं देखा है। तो यार मुझे नहीं लगता कि ये 12 तारीख आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन की तारीख रहने वाली है, पर 19 तारीख यार डेफिनेटली आप लोगों के लिए रहने वाली है एग्जाम के लिए, ये बात श्योर है। अब इसमें 19 करे या 20 करे, वो IBPS का एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोगों को सबसे पहले बता दी जाएगी चैनल पर। आप लोग बार बार साइट पर रिफ्रेश करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्टडी पर ध्यान दीजिए आप लोग। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है 9:30 बजे, जैसे इनका जो कॉल सेंटर है वो भी ओपन हो जाएगा, तो अपने बात करेंगे सबसे पहले कि यार क्या कुछ है, और वो जो भी कॉल होगा रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि अगर एग्जाम 19 को होता है तो आप लोगों का फ़ायदा क्या है। देखिए यार, फ़ायदा ये आप लोगों का कि 19 को होता है यार आपको 7 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि आपने जितनी तैयारी प्रिपरेशन 12 तारीख को मान के करनी थी वो लगभग आप कर चुके हैं, और 28 के बाद तो बहुत सारे स्टूडेंट का स्टडी का जो कंटिन्यूस था, मॉक टेस्ट लगाने का या डेली बेस पे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करने का, सिंप्लीफिकेशन करने का, डेली बेस पे पजल्स बनाने का, वो सारा यार कुछ ना कुछ हद तक टूट चुका था। उसको यार दोबारा से बनाइए, दोबारा से लेके आइए। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी आ रही है यार, जो अपने RRB का एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब अपने को वहाँ पर जो अपने जैसे बात की जाएगी राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जो BRKG बैंक है या RMZ बैंक है, तो उनके एम्प्लॉयज़ अपने को देखने को मिलते हैं यार वहाँ पे, कि जैसे एग्ज़ाम जाने जाते हैं अपने सेंटर पे, तो TCSI उनकी तरफ से तो एम्प्लॉयज़ होते ही होते हैं। उसके अलावा जो बैंक के अपने ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी वहाँ पे होते हैं, जो भी आपका क्षेत्र में ग्रामीण बैंक है। तो यार उन लोगों को अभी तक कोई ऐसा भी नहीं बताया गया कि आप 12 तारीख को एग्ज़ाम है और आप आइए। उन लोगों को ये बोला गया कि यार आप लोग तैयार रहिए, अगर एग्जामिनेशन होता है 12 को तो आप लोगों को बुला लिए जाएंगे। यानी उनके अभी तक कोई भी अनाउंस नहीं किया गया कि आप लोगों को 12 का एग्ज़ाम करवाना है। और TCS अभी तक 12 पे ही बुक है, TCS तो 12 पे ही बुक है, अभी तक TCS के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम 19 को है। पर यार देखा जाए तो 12 तारीख के लिए भी सिर्फ 5 दिन बचे हैं, और अगर किसी को दर स्टेट जाना है तो 5 दिन में यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये चीज़ें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी आप लोगों को पता है कि 12 तारीख से सुबह 8 बजे से ट्रेनें जो है वो चलेगी, 12 तारीख को सुबह 8 बजे से, तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो रही है चीज़ें। तो यार 19 तारीख मान के चलिए, 19 को आपका एग्जामिनेशन है, आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। डेली के 3 या मॉक टेस्ट 4 है जो आप पहले देते थे, उन्हीं रूटीन से आप मॉक टेस्ट दीजिए, और कोई भी आपको अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सजेशन ये देना चाहूँगा, यार मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, हिंदी, कंप्यूटर, GK, ये चीज़ आप लोग साथ में स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन आपका जल्दी होगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप RRB PO का एग्जाम दोगे, उसके 7 दिन बाद आपका RRB क्लरिकल का एग्जाम है, और उसके 7 दिन बाद आपका IBPS PO का एग्जाम है, तो फिर मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलेगा। अगर इसके बीच में कहीं ना कहीं SB क्लरिकल और RB असिस्टेंट का एग्जाम भी शेड्यूल हो जाता है अक्टूबर के महीने में, तो फिर यार और ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम एग्जाम होंगे तो फिर आप लोगों के लिए प्रिपरेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये जो सितंबर का महीना है, जितना ही अपने लोगों के पास, उसको यार मेंस और प्री दोनों में फोकस कीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा, और उसके बाद आपका IBPS क्लरिकल है, तो एग्जामिनेशन जो है वो ऑन रोड पे है भी आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, किसी भी तरह का कोई भी आपको रूमर्स ऐसी खबरें फैला रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और मॉक टेस्ट के लिए मैंने बेस्ट मॉक टेस्ट सजेस्ट किया आप लोगों के लिए IBPS गाइड लीगा, तो जाके ले लीजिए, 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मेंस के लिए अगर आप लोग GK में 90% स्कोर करना चाहते हैं, फिर क्लाउड से PDF आप लोगों के लिए बेहतरीन PDFs है, तो जाके उनको भी ले लीजिए। तो एग्जामिनेशन 19 को हो सकता है, एडमिट कार्ड आज आएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस आज आने के। जैसे ही IBPS का कॉल सेंटर ओपन होता है, अपने बात करेंगे सबसे पहले, पूरी क्लैरिटी लेंगे उनसे, और आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।